हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 11 मई 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कल की वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे उसको फटाफट रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में यूट्यूब लिंक जारी किया गया है जिसके द्वारा कोरोना मरीजों को आप लाइव देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भिलाई और रायपुर। हाल ही में CSMNCL ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शराब से संबंधित है। ऑनलाइन आप शराब ऑर्डर कर सकते हैं और होम डिलीवरी किया जाएगा। हाल ही में कोरोना टीकाकरण नहीं लगाने पर राशन कार्ड दिया जाएगा, ऐसे धमकी दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरगुजा और बस्तर से। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में सजंग अभियान की शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दंतेवाड़ा। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। सजंग अभियान को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल अप्रैल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम की शुरुआत की थी ताकि कोरोना महामारी की स्थिति में भी बच्चों की विकास प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। इसे बाल विकास महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों। जैसे दंतेवाड़ा में बच्चों को खान पान में जो कोरोना महामारी के कारण अच्छे खान पान की व्यवस्था किया जाए, इसके लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है दोस्तों। अब दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा है। अब दंतेवाड़ा की बात आई है तो दंतेवाड़ा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा अपना दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा की स्थापना 1998, मुख्यालय दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर डंगनी संगरी नदी के किनारे बसा है। लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला 1968 में NMDC द्वारा खनन प्रारंभ विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा किया जाता है। जापान को निर्यात लौह अयस्क हेमेटाइट किस्म को भेजा जाता है। टीन अयस्क का भंडारण बरचेली न्यूरेलियम भंडारण बरचेली पीट ब्लेस अयस्क। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण अमन देव काकतीय वंश द्वारा करवाया गया है। बासुर छिंदक नागवंशी की राजधानी रही है। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर, 32वां मंदिर, चंद्रतेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ है तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 63A सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग। सूरतगढ़ जलप्रपात नंदी राज पर्वत जलप्रपात की जो पहाड़ी है ये कहाँ है तो दंतेवाड़ा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितने करोड़ की रुपए दी जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5700 करोड़। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5700 करोड़ रुपए पिछले वर्ष की तरह 4 किस्तों में मिलेगा। न्याय की पहली किस्त 21 मई को किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल उप समिति की वर्चुअल बैठक में यह फैसला हुआ है। उप समिति के में न्याय योजना में कुछ और फसलों को जोड़कर मसौदे पर भी चर्चा किया गया है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि अभी कोरोना काल में किसानों के पास पैसा और खाने के लिए भी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहली किस्त जो 21 मई को किसानों के खाते में दिया जाएगा और इसको पिछले वर्ष की भांति 4 किस्त में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में APL BPL और अत्योदय कार्डधारियों का टीकाकरण किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चापा। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। जिले में APL BPL और अंत्योदय कार्डधारी परिवारों को 18+44 आयु वर्ग के सदस्यों को कोविड टीकाकरण के प्रति अच्छा उत्साह
देखा जा रहा है। आज नगर पालिका परिषद चापा के 3 टीकाकरण केंद्रों में दोपहर 1 बजे तक 200 लोगों द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा का टीकाकरण किया जा चुका है या लगवाया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।